दोस्तों, आज 26/5/2023 को हम पति पत्नी आज सवेरे सवेरे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरी पे आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट लेके दिल्ली, और दिल्ली में एक दिन रुकेंगे और एक दिन रुकने के बाद फिर हम जाएंगे आगरा। आगरा में ताजमहल देखेंगे और वहाँ से फिर हम जाएंगे मथुरा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि देखने के बाद वृंदावन जाएंगे और सब मंदिरों का आपको दर्शन कराते हुए फिर वापस मुंबई आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये मुंबई एयरपोर्ट पे हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मुंबई एयरपोर्ट पे अभी बहुत बारिश हुई है। इसके लिए गर्मी से तो राहत है, लेकिन शायद दोपहर के बाद में यहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। जब ये पानी गर्म होकर भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो आर्द्रता बहुत बढ़ेगी, या ज़्यादा बारिश हो तो। दिल्ली में भी बारिश हुई है, ऐसा रात को ही सुने थे। तो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं एयरपोर्ट का सीन। इसके बाद फिर हम मिलेंगे। देखो, इनको एयरपोर्ट पे ठंडी लग रही है इसलिए कान ढक लिए हैं। एयरपोर्ट के बगल में हर जगह ग्रीनरी और ये अच्छा बना है। मिलिट्री कैंपस लग रहा है, आर्मी का हेडक्वार्टर है, ये आर्मी का है इसीलिए। वल्लभगढ़ कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। तो सब आ गए ना आने वाले? अभी तो निकल गए थे लगता है, जो ट्रेन से आने वाले। हाँ, मतलब जो भी आने वाला होगा इस टाइम तक तो सब आ गए होंगे, जब शाम का प्रोग्राम ही है। हाँ, अशोक सर भी तो दिख ही रहे हैं फोटो में, वो भी आ गए। गांव से कौन आने वाला था? गांव से कौन है? कोई नहीं है। किसी को बुलाना है तो टिकट भेजे उनके। कोई तो आने वाला था, ट्रेन छूट गई थी, दीदी बता रही थी। अच्छा, वही है, ये सब इलाहाबाद से जो आने वाले हैं उनके मामा के घर से। ये नहीं, हाँ। जैसे तुरे मंगरू मम्मा हो गए, नहीं वो लोग नहीं। सबे तो यहाँ 24 घंटा भी न रुक।
मुझे लगता है कि काफ़ी बाहर है दिल्ली से एयरपोर्ट, तभी खाली खाली और ऐसा लग रहा है कोई बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी नहीं है इस तरह। अलाउड नहीं है ना इधर, अलाउड भी नहीं होगा एयरपोर्ट के आसपास, नहीं जाता फ्लाइट। मुंबई में तो एयरपोर्ट से सटा हुआ चार चार मंजिले बिल्डिंग है, वहाँ है पर यहाँ अलाउड नहीं है, ये सारा पहले से खाली है इसलिए अलाउड करते हैं, बन नहीं रहा है। हाँ, जब बन जाता है तब तो उपाय करना पड़ता है कैसे रहे। मुंबई पहले से बंद हो गया था। हाँ, अभी पहले एयरपोर्ट है।